नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और हम आज इस वीडियो के अंदर ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हम अपने इंट्राडे स्टॉक्स को किस तरीके से सिलेक्ट करें और हम मैक्सिमम बेनिफिट अपने इंट्राडे स्टॉक्स में अंदर कैसे ले पाएँ। ये काम आप खुद भी कर सकते हो। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को एक लर्निंग देना अपने YouTube चैनल के थ्रू। और अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए होंगे तो हमारी एक्यूरेसी आप लोगों ने देख ही ली होगी पहले एनालिसिस के हिसाब से। अब जो भी मैं अपना रेगुलर वीडियोस यहां पर डालना शुरू कर रहा हूं तो वो आपके एक लर्निंग पर्पस से होगा। तो इसलिए अगर आप खुद ब खुद इंट्राडे के लिए स्टॉक्स का चयन करना सीखना चाहते हैं और उसके अंदर किस तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं, किस तरीके से ट्रेड करें, इस सवाल का अगर जवाब पता लगाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये आपका बहुत हेल्प करेगा वीडियो। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसके अंदर मैं पूरा का पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताने जा रहा हूँ, तो कुछ लॉजिक भी बताऊँगा और आप एक एक चीज़ को नोट डाउन करते रहिए और आप वहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट किस तरीके से अर्न कर सकते हो ये भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट लर्निंग वीडियोज़ यहाँ पर इस चैनल के ऊपर मिलने जाएंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि हम अपने इंट्राडे स्टॉक्स को किस तरीके से सिलेक्ट करें। तो उससे पहले मैं आपको एक लॉजिक समझाना चाहता हूं कि देखिए, मोस्टली जो रिटेल ट्रेडर्स की सोच होती है, जो रिटेल ट्रेडर्स मैक्सिमम सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो स्टॉक्स ज़्यादा भाग रहे हैं, जो स्टॉक्स ज़्यादा भाग रहे हैं तो वो स्टॉक्स बहुत अच्छे होते हैं, और जो स्टॉक्स बिल्कुल जिनका ट्रैफिक जैम पड़ा है या फिर जिनके ऊपर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है 3 से 4 दिन तक, वो स्टॉक्स बिल्कुल बेकार होते हैं, उसके अंदर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ और मैं आपको प्रूव करूँगा भी कि हम किस तरीके से उन स्टॉक्स को चुनें अपने इंट्राडे के लिए जो स्टॉक्स जिनका ट्रैफिक जैम पड़ा है या फिर जिनके अंदर 3 से 4 दिन तक या हो सकता है 5 दिन तक भी कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पर अभी मूवमेंट हुई नहीं है, वहां पर मूवमेंट होने की शुरुआत हुई है। और जिस स्टॉक के अंदर ऑलरेडी मूवमेंट हो चुकी है तो उसकी मूवमेंट कब ख़त्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अभी मैं बिगनर्स के लिए यहाँ पर ये वीडियो डाल रहा हूँ, तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम बात कर रहे हैं नैरो रेंज स्टॉक्स की, जो कि अपने कुछ दिनों से अपने एक नैरो रेंज के अंदर ट्रेड हो रहे हैं। अब लॉजिक समझिए कि वो नैरो रेंज के अंदर ट्रेड क्यों हो रहे हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 1 घंटे का चार्ट है, और मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूं जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड का। ध्यान से देखिएगा, अब ये जी एंटरटेनमेंट का लिमिटेड का जो स्टॉक है, इसका जो लो बन रहा है पिछले आप देख सकते हो यहां पर 25th से और इवन 24th से जो इसका लो बन रहा है वो 120 रुपये के आसपास है, और जो इसका हाई बन रहा है वो 32 रुपये के आसपास है, यानी कि 120 यानी कि 12 रुपये के अंदर ये स्टॉक पिछले 10 दिन से मतलब ट्रेड कर रहा है। और जो ट्रेडिंग सेशन होंगे वो आपका 4 या 5 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप इसको वन डे की सेटिंग के ऊपर देखेंगे करके, तो आप देखोगे कि ये कितने दिन से, आप देख सकते हो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तकरीबन 6 दिन हो गए हैं इस स्टॉक को, और ये इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब देखिए होता क्या है,
मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ कि देखिए, जब ये स्टॉक यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तकरीबन 9 दिन तक एक रेंज के अंदर रहा था। लेकिन जब 9 दिन के अंदर रेंज के अंदर रहा तो इस स्टॉक के अंदर पोजीशंस बनाई गई। रेंज में स्टॉक्स इसलिए रखे जाते हैं ताकि उनके अंदर फर्दर पोजीशंस बनाई जा सकें। और अगर इन 9 दिन के अंदर आपने इस स्टॉक के अंदर वेट किया होता कि भाई इस स्टॉक के अंदर 9 दिन तक कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है, तो जब 10वां दिन होता तब आपको यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिलता और ये 248 से लेकर आपको यहाँ पर ये देखिए 120 तक यहाँ पर आपको ये स्टॉक मिल जाता। तकरीबन आपको 130 रुपये की मूवमेंट आपको यहाँ मिलती। लेकिन यहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है इस टेक्निक के अंदर, इसको नैरो रेंज टेक्निक बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब भी कोई भी स्टॉक नैरो रेंज के अंदर रखा जाता है कुछ दिनों तक, तो आपको वहाँ पर उस स्टॉक को अपनी डायरी के अंदर लिख लेना चाहिए और उस नैरो रेंज की अपर लाइन और लोअर लाइन दोनों को भी लिख लेना चाहिए। जब वो स्टॉक ब्रेकआउट देगा अपर लाइन का या फिर लोअर लाइन का, जब भी कोई भी ब्रेकआउट देगा तब वो ब्रेकआउट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि उस रेंज बाउंड के अंदर उस स्टॉक के अंदर पोजीशंस बनाई गई हैं। तो 6 मिनट इस वीडियो को हो गए अभी तक, और ये वीडियो मैंने पहले ही कहा था बहुत लंबा होने वाला है, तकरीबन 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा। अगर इस प्रोसेस के आगे का कहानी आप समझना चाहते हैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी स्किप ना कीजिएगा इस वीडियो को। मैं बहुत ही अच्छी आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो अब देखिए क्या होता है कि ये स्टॉक यहाँ पर अभी इस 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन तक अभी ये एक, और इवन 7, 7-7 दिन तक ये स्टॉक अभी एक रेंज के अंदर है। तो मैंने ये स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर लगा लिया है, और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक जो मैंने अपना लिख लिया है वो जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड ही लिया है, और दूसरा स्टॉक देखिए वोल्टास मैंने सिलेक्ट किया है। इसी तरीके से मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये वोल्टास स्टॉक है। ये देखिए पिछले तीन दिन से ये स्टॉक एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है। मार्केट तो बहुत मूवमेंट हो रहा है लेकिन इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसीलिए मैंने इस स्टॉक को भी अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख लिया है। इसी तरीके से मुझे कुल मिला के जो स्टॉक मिले हैं वो इतने स्टॉक मिले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टॉक मिले हैं ये वाले, और ये मैंने आपको आज डिस्क्लोज़ कर दिया। अभी हम समझते हैं कि ये तो हुआ वो वाले स्टॉक जो अभी रेंज बाउंड और एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ कि जो स्टॉक, अब देखिए ज़रा वोल्टास को ही ले लीजिए, ये वोल्टास को ही अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हो कि देखिए जब इस स्टॉक के अंदर 1, 2, 3, 4 मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब बहुत ही नैरो रेंज के अंदर ये स्टॉक घूम रहा था काफ़ी दिन तक, तो इसके अंदर एक शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हो रही थी। तो क्या हुआ, इसने देखिए इसका अगर आपने इस रेंज का अपर रेंज पकड़ा होता जो कि यहाँ पर था 720 के आसपास, और इसका लोअर रेंज जब आपने पकड़ा होता जो कि इसका रेंज था वो तकरीबन 680 के आसपास, तो जब भी आपको ब्रेकआउट, जब ये स्टॉक इस रेंज के अंदर है तब आपको ट्रेड नहीं लेना है, और जैसे ही ये रेंज टूटेगा, जैसे कि नीचे की तरफ 680 का जो रेंज था वो टूटा आपका 6 मार्च को, उसके बाद आप देख सकते हो कितना बुरा हाल इस स्टॉक के अंदर हुआ है, तकरीबन 470 पॉइंट पे आ गया है 680 से। तो आप खुद देख सकते हो कि तकरीबन 200 पॉइंट से भी ज़्यादा का यहाँ पे मूवमेंट आपको मिला है। तो अब तो ये तो बात रही आपको एक समझाने की कि रेंज बाउंड स्टॉक क्यों सिलेक्ट करने चाहिए। अब बात रहती है कि मैं आपको कुछ ये दिखाना चाहता हूँ कि जो रेंज बाउंड के बाद जो ब्रेकआउट मिलता है वो कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, और वो क्यों हम इस टेक्निक को एक बेस्ट टेक्निक समझते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा क्या हुआ है, लुपिन के अंदर देखिएगा क्या हुआ है। लुपिन एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, पहली बात मैं ये बता देता हूँ।
तो यहाँ पर आपको कैंडल जो है बहुत बड़ी बड़ी दिखेंगी, तो इसकी रेंज जो रहेगी वो बहुत बड़ी रहेगी, जैसे 540 से लेके आपका 570 या फिर 580 तक की रेंज थी यहाँ पर। 1, 2, 3, 4 या 4 दिन के अंदर जो स्टॉक था बहुत एक रेंज के अंदर था, 580 से लेके और 540 की रेंज, तकरीबन 40 रुपये की रेंज में था। लेकिन जब आप देखिए यहाँ पर एक अगले दिन जब ब्रेकआउट हुआ 3 तारीख को, तो ये स्टॉक 580 की जब इसने रेंज तोड़ा, 580 की जब रेंज तोड़ा तो इसने हाई बनाया 670 का, तकरीबन 90 पॉइंट ये स्टॉक एक दिन के अंदर घूमा। और अगर आप इसको 1 घंटे के चार्ट के ऊपर देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट के अंदर ये स्टॉक यहाँ पर तकरीबन 26 तारीख से और लेकर और तकरीबन 31 तारीख तक ये एक रेंज के अंदर था, 570 से लेके और 540 की रेंज में। तो आपको क्या करना है कि ऐसे ही स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट के अंदर मेंटेन करके रखने हैं, ठीक है। और जब आप मेंटेन करके रखोगे जो जो स्टॉक्स जैसे मैंने मेंटेन कर लिए हैं अभी वो स्टॉक्स, तो मैं क्या करूँगा उन स्टॉक्स के सामने एक हाई रेंज और एक लो रेंज ये मैं लिख के रखूँगा हर स्टॉक की, और ये पता लगाना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मैंने आपको बता भी दिया है अपनी वीडियो के अंदर वो किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रेकआउट, यहाँ पर हमने लिखा ब्रेकआउट। अब क्या होगा कि जो भी लेवल, मतलब ये स्टॉक्स वो स्टॉक है जो कभी रेंज बाउंड में है, जो भी लेवल अपर लेवल या लोअर लेवल जब भी टूटेगा तो मुझे पता है कि वहाँ पर 20% से लेके 10% से लेके सॉरी मुझे 20% तक का प्रॉफिट वहाँ पर आराम से मिलेगा देखने को। तो इतना अच्छा प्रॉफिट वो भी कुछ ही टाइम के अंदर, जैसे कि हमने ल्यूपिन के अंदर बात किया। तो हमारी प्रोसेस क्या है कि मैं यहाँ पर आपको ल्यूपिन दिखा रहा हूँ। देखिए क्या हुआ कि 540 से लेके और 570 की जो रेंज है वो आपने देखी, 30 पॉइंट की जो रेंज थी वो उसके अंदर ये 3 से 4 दिन तक स्टॉक रहा। लेकिन जब ये 570 की रेंज टूटा तो क्या हुआ, स्टॉक गया 670, यानी कि 100 रुपये की मूवमेंट आपको चौथे दिन ही मिल गया देखने को। अब हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हम ये कैसे पता लगाएं कि ये ब्रेकआउट किस तरफ होगा। कुछ डाटा पॉइंट्स की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं और कुछ इंडिकेटर की हेल्प से भी हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं। और कौन से स्टॉक आपको ये नैरो रेंज में मिलेंगे, इसका पता लगाने का एक बहुत अच्छा सिंपल तरीका है, वो है आपका बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड जैसे ही नैरो होना शुरू होगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ मुथूट फाइनेंस के अंदर मैंने लिखा हुआ है वो स्टॉक अपने लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है, और देख सकते हो कि मुथूट फाइनेंस के अंदर 1 घंटे के चार्ट के ऊपर आपका ये जो स्टॉक है ये बहुत ही ज़्यादा बैंड इसका जो है नैरो हो गया है अपना बॉलिंजर बैंड। अब मैंने क्या करूँगा, मैंने इसका लोअर रेंज जो कि यहाँ पर है तकरीबन 593 यानी कि 590 की मान लेते हैं, और इसकी जो हायर रेंज है वो तकरीबन है 630 की। तो अगर मैं यहाँ पर 630 मुथूट फाइनेंस के अंदर 630 और 590 ये मैं लिख लेता हूँ, अब जिस तरफ को भी ब्रेकआउट होगा तो मुझे पता है वहाँ पर 10 से 15% मेरा प्रॉफिट होना ही होना है, और इस ब्रेकआउट का मैं वेट करूँगा और ये स्टॉक के ऊपर मैं नज़र रखूँगा कि ये ब्रेकआउट किस वक्त और कौन से दिन होगा। अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये ब्रेकआउट किस दिन होगा यार, बहुत टाइम ले सकता है इसका, हम इंट्राडे के बेसिस के ऊपर किस तरीके से करें। ये बंदा कह रहा है कि भाई इंट्राडे बेसिस के ऊपर आपको ये स्टॉक अच्छा प्रॉफिट देंगे, तो दोस्त ये सच्चाई ज़रूर है कि ये ब्रेकआउट कब होगा ये हम नहीं बोल सकते। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने ये 6 स्टॉक अपने 1 दिन के लिए वॉच लिस्ट, मतलब मैंने ट्यूसडे के लिए वॉच लिस्ट में अगर रखा है, तो ये गारंटी ज़रूर है कि इन 6 में से मेरा 1 या 2 स्टॉक, मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 या 2 स्टॉक ही चाहिए अर्निंग करने के लिए 1 दिन के अंदर। और मैं चाहता भी नहीं हूँ
पर्सनली बेसिस के ऊपर कि ये 6 के 6 स्टॉक के अंदर एक ही दिन ब्रेकआउट हो जाए, क्योंकि वहाँ पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा और वहाँ पर मैं अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कमा पाऊँगा। तो क्या होगा कि अगर मेरे को एक दिन के अंदर यहाँ पर एक ही स्टॉक ब्रेकआउट दे दे, सपोज़ कीजिए वोल्टास दे देता है और बाकी का नहीं देता है, तो व्हाट विल आई डू कि मैं वोल्टास के अंदर ट्रेडिंग करूँगा और वहाँ पर एक दिन के अंदर 10 से 15% का प्रॉफिट कमा लूँगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको इंट्राडे के ऊपर जब अगर आप 7 से 8 स्टॉक की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर बिल्कुल ही बिल मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं है तो हो सकता है कि आपको किसी भी एक दिन आपका ब्रेकआउट ना मिले उस लिस्ट में से जो कि आपके रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर स्टॉक्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने 7 से 8 स्टॉक को रेंज बाउंड सिचुएशन में पकड़ा है तो उनके अंदर ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको 1 या 2 स्टॉक, अब देखिए अगर हो सकता है ट्यूसडे को अगर ये रिलायंस के अंदर मुझे ब्रेकआउट मिलता है तो देन आई विल टेक द बेनिफिट ऑन ट्यूसडे ऑफ इन द रिलायंस। अब मेरे पास रिमेनिंग 5 स्टॉक भी वो रहेंगे मेरी वॉच लिस्ट में और मेरा रिलायंस का जो बेनिफिट मैं 10 से 15% का लूँगा वो मैं वहाँ पर डिलीट कर दूँगा। तो क्या होगा कि मेरे पास 5 स्टॉक फिर भी रहेंगे अगले दिन के लिए, वो मेरे पास मेंटेन रहेंगे। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आपको इंट्राडे अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। अब हम पता लगाते हैं कि भाई हमने स्टॉक का चयन करना सीख लिया बॉलिंजर बैंड की हेल्प से, और हमको ये भी पता लगेगा, हमने ये भी पता लगा लिया कि भाई ब्रेकआउट के लिए हमको क्या क्या बातों का ख्याल रखना है कि भाई नीचे का स्टॉक है या फिर ऊपर का स्टॉक है। अब हमको ये रियल ब्रेकआउट कैसे समझ में आएगा कि भाई रियल ब्रेकआउट जो है हमको मिलेगा इस स्टॉक के अंदर या फिर वो फेक ब्रेकआउट होगा। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई ब्रेकआउट जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रियल ब्रेकआउट, एक होता है फेक ब्रेकआउट। तो फेक ब्रेकआउट भी होने के चांसेस हैं और रियल ब्रेकआउट होने के भी चांसेस हैं। अब जैसे कि मुथूट फाइनेंस के अंदर मैं पता लगाने की कोशिश अगर करूं कि भाई मुथूट फाइनेंस के अंदर पिछले अगर ये 30 तारीख से लेके और 3 तारीख तक ये स्टॉक जो है एक रेंज के अंदर है तो ये क्या सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। तो देखिए मैं एक सिंपल सा लॉजिक आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई अगर रेंज के अंदर किसी भी रेंज के अंदर जो स्टॉक है अगर उसके अंदर बाइंग चल रही है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, डिलीवरी परसेंटेज वहाँ पर हाई होनी शुरू हो जाएगी और स्टॉक को रेंज के अंदर रखा जाएगा, ये एक लॉजिक कहता है। ठीक है, लेकिन अगर डिलीवरी स्टॉक जो है क्या कहते हैं रेंज के अंदर ही है और डिलीवरी परसेंटेज वहाँ पर डिक्रीज हो रहा है और वहाँ पर प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं उस रेंज के अंदर। अब देखिए ये जो शीट है यहाँ पर, ये शीट मैं डेली मेंटेन करता हूँ अपने स्टॉक्स की, और अगर मैं इस मुथूट फाइनेंस का डिलीवरी परसेंटेज देखता हूँ तो चलिए ये तो एक तो हम डिलीवरी परसेंटेज अगर देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज क्या है, 20%, 21%, 26%, 48%, 33%। तो यानी कि पिछले 5 दिन में से केवल एक ही दिन यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज है, बाकी दिन जो है यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पर इस रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर पिछले 5 दिन के अंदर कोई भी बाइंग नहीं हो रही है। तो यानी कि जो इसकी पॉसिबिलिटी है वो आपका ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी ऊपर की तरफ नहीं है, ये नीचे की तरफ पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है मुथूट फाइनेंस के अंदर। तो यहाँ पर आप डाटा पॉइंट्स के हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर बाइंग हो रही है इस रेंज के अंदर या फिर आपका यहाँ पर एक सेलिंग हो रही है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी लिया इस प्रोसेस के अंदर कि भाई मुथूट फाइनेंस के अंदर यहाँ पर बाइंग नहीं हो रही है तो यहाँ पर मेरे लिए एक सेल ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या होगा, 590 के नीचे जैसे ही ये स्टॉक 15 से 20 मिनट यानी कि 15-15 मिनट की जो 2 कैंडल है वहाँ पे सस्टेन करना शुरू हो जाएगा तो देन मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट मुझे मिलने वाला है और यहाँ पर मैं वहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूँगा 590 के आसपास और मुझे वहाँ पर आराम से
40 से 50 पॉइंट का वहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। तो और आप NSE की वेबसाइट के ऊपर जाकर भी वहाँ पे पता लगा सकते हो कि भाई मुथूट फाइनेंस, अगर आप जैसे मुथूट फाइनेंस आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, तो आप यहाँ पर डिलीवरी परसेंट का डाटा जो है मुथूट फाइनेंस का भी चेक कर सकते हो। वो कैसे चेक कर सकते हो, ये NSE की वेबसाइट है जो कि आपका होम पेज है। आप यहाँ पे क्विक लिंक के ऊपर जाके ऑल रिपोर्ट्स के ऊपर आ जाइए। और वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी हो रही है, मैंने पहले ही कहा था, तो आप यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज के लिए कैपिटल ऑल रिपोर्ट्स के अंदर कैपिटल मार्केट, उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम एंड डिलीवरेबल पोजीशंस, अगर आप यहाँ पर एंटर सिंबल करेंगे, ठीक है, जो कि सिंबल आपका निकल के आता है मुथूट फाइनेंस का, यहाँ पर अगर इसको मुथूट फाइनेंस यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर डेट डाल देंगे कि पिछले 5 दिन के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है वहाँ पे चार्ट के ऊपर कि पिछले 5 दिन से ये जो स्टॉक है वो बिल्कुल एक रेंज बाउंड के अंदर है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि मैं देख लेता हूँ यहाँ पे चार्ट के हिसाब से 30 तारीख से लेके और अभी तक जो है रेंज के अंदर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं 30 तारीख से 29 ले लेते हैं, चलो 29 तारीख से और लेटेस्ट ट्रेडिंग सेशन तक का यहाँ पे डाटा मेरे को मुथूट फाइनेंस का मिल गया है। तो आप खुद देख सकते हो कि हम डिलीवरी परसेंटेज का अगर वैल्यू दें तो आप देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा तरीके से आपको पता लग जाएगा कि पिछले 4 दिन के अंदर जो ये स्टॉक रेंज बाउंड है वहाँ पर ये क्या हो रहा है। देखिए अगर वहाँ पर बाइंग हो रही होगी तो क्या होगा कि वहाँ पर जो स्टॉक है वो रेगुलरली उसका जो प्राइस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और आप देख सकते हो कि ये मुथूट फाइनेंस का जो प्राइस है रेगुलरली 611, 612, 608 और 607, और इसका क्लोजिंग प्राइस भी देख सकते हो 611, 613, 604 और 606, यानी कि, और इसका वेब प्राइस, मतलब जो इसके अंदर प्राइस जो है 613 और 611 से ऊपर नहीं बढ़ रहा है, और इसकी जो डिलीवरी परसेंटेज है वो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर 34, 26, 33, यानी कि डिलीवरी परसेंटेज भी यहाँ पे कम है और यहाँ पर प्राइस भी यहाँ पर कम है। तो आपको यहाँ पे पता लगेगा कि यहाँ पर ये जो नैरो रेंज है यहाँ पर बाइंग नहीं हो रही है, तो फिर आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाएगा कि भाई ये जो स्टॉक है ये जब भी ब्रेकआउट देगा तो ये एक फॉल्स, मतलब ये जब भी ब्रेकआउट देगा तो ये एक नीचे की तरफ बेयरिश ब्रेकआउट देगा। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आप जितने भी स्टॉक आपने चुने हैं तो इसका हाई लो और ब्रेकआउट किस दिशा में होगा वो भी आपका यहाँ पर लिखा होना चाहिए, हाई और लो भी होना चाहिए और यहाँ पर ब्रेकआउट का दिशा भी होना चाहिए, जिससे कि आप प्रिपेयर रहें पहले से ही कि हमारा ऑर्डर कौन से लेवल के ऊपर। अगर आप देखिए यहाँ पर ये चीज़ लिख के रखेंगे तो मैं प्रिपेयर रहूँगा मुथूट फाइनेंस के अंदर कि मैं 590 का ब्रेकआउट, क्योंकि मुझे पता है वो सेल ऑर्डर है वहाँ पर मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे पता है कि जैसे ही वो 590 का लेवल तोड़ेगा तो वहाँ पर मुझे आराम से 15 से 20% का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा और वहाँ पर मैं अपने 590 के आसपास जो है अपना सेल ऑर्डर लगा सकता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे पहले ही एनालिसिस किया हुआ है डाटा पॉइंट्स के हिसाब से कि मतलब लोअर ब्रेकआउट वहाँ पर हमको मिलेगा। अब देखिए होगा क्या, अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट 630 से ऊपर चला जाता है जो कि मेरा एक्सपेक्टेशन और मेरी एनालिसिस नहीं कहती है, तो क्या होगा कि वहाँ पर वो फॉल्स ब्रेकआउट होगा, ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पर वो होगा फॉल्स ब्रेकआउट जो कि एक स्पेकुलेशन या फिर एक स्पेकुलेशन बाइंग कहते हैं जिसको, जो कि ट्रैप करने के लिए रिटेलर्स को होती है। तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको वहाँ पर ऑर्डर नहीं लेना पड़ेगा, हमको अपनी एनालिसिस के साथ ही रहना पड़ेगा जो कि मैंने आपको करना सिखा दिया है। तो अगर वहाँ पर 630 को ब्रेक करता है तो मैं वहाँ पर ऑर्डर नहीं लूँगा और मैं वहाँ पर उस स्टॉक को छोड़ दूँगा। तो इस तरीके से आप एक अच्छा कन्फर्म ट्रेड ले सकते हो और ऐसे स्टॉक्स ढूँढने बहुत ही सिंपल हैं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको 50 निफ्टी 50 या निफ्टी 100
या FNO स्टॉक। मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं डेली बेसिस के ऊपर जब भी मैं, अब मैंने स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना शुरू कर दिया है, मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे ऊपर बता दिया था टेलीग्राम के ऊपर, तो मैंने वहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इक्विटी स्टॉक्स के अंदर जाता हूँ। मैं यहाँ पर निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं, और यहाँ पर एक सेक्शन होगा सबसे नीचे अदर्स के अंदर FO स्टॉक्स, मतलब FNO स्टॉक्स। ये FNO स्टॉक्स बहुत अच्छे स्टॉक्स होते हैं, और इसके अंदर आप देख सकते हो तकरीबन 144 स्टॉक्स अभी भी यहाँ पर हैं जिनकी ऑप्शन चेन भी अवेलेबल है, क्योंकि मैं ऑप्शन चेन को भी देखता हूँ अपनी एनालिसिस के अंदर, तो मैं अपने इसी स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना चाहता हूँ। तो अब आप देखिएगा कि मैं यहाँ पर 143 स्टॉक्स को अगर आप डेली बेसिस के ऊपर, जैसे कि मैं डेली प्रैक्टिस करने शुरू कर दिया है कि 143 स्टॉक्स को अगर आप डेली, मतलब आपको आधा घंटा से एक घंटा खुद देना पड़ेगा, अगर आप डेली 143 स्टॉक्स को ऐसे बैलेंजर बैंड लगाकर भी अगर आपने यहाँ पर देखना शुरू किया और देखा कि आपने यहाँ पर नैरो रेंज आपने पकड़ लिया किसी भी स्टॉक के अंदर, और उसके बाद आपने डिलीवरी परसेंटेज के एनालिसिस कर लिया और आपने वहाँ पे लोअर रेंज और अपर रेंज पकड़ लिया, तो आपको डेली बेसिस के ऊपर मैं लिख कर दे सकता हूँ कि आपको आपको डेली बेसिस के ऊपर 5 से 6 स्टॉक मिलना शुरू हो ही जाएंगे अगर आप 144 स्टॉक्स की प्रैक्टिस डेली बेसिस के ऊपर करते हैं। और आपका जो वहाँ पर प्रॉफिट होगा जब भी ब्रेकआउट होगा, तो वहाँ पर आपका प्रॉफिट जो होगा एक दिन के अंदर, जैसे कि ल्यूपिन के अंदर मैंने दिखाया 100 पॉइंट का जो मूवमेंट ब्रेकआउट जो हुआ था वो एक ही दिन के अंदर हुआ था, इसी तरीके से जब आपका वो जब इन स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट होगा तो वो एक ही दिन के अंदर आपका 50-50, 70-70 पॉइंट का ब्रेकआउट होगा, मतलब 10 से 15% की मूवमेंट आपको मिलेगी, और इस तरीके से आप कन्फर्म ट्रेड ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सर्च कैसे करने हैं स्टॉक वो भी समझ में आ गया होगा, और आपको किन बातों का ख्याल रखना है वो भी समझ में आ गया होगा, और आपको सर्च करने के बाद क्या करना है, लोअर रेंज और हायर रेंज कैसे लिखनी है वो भी समझ में आ गया होगा, और ब्रेकआउट किस दिशा में होने की संभावना है वो भी समझ में आ गया होगा। तो तकरीबन 27 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को देखते देखते आप लोगों को, और मैं आपके पेशेंस की और आपके लर्निंग इंस्टिंक्ट की, जो कि आप चाहते हैं लर्निंग करना, उसकी तारीफ करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से इंट्राडे के लिए स्टॉक्स को चयन करें। और देखिए, अगर आपका डेली बेसिस के ऊपर अगर एक या दो स्टॉक भी ब्रेकआउट देता है तो आपका चांदी ही चांदी है, आपको पता होगा पहले से ही कि मुझे कौन से ऑर्डर इसके अंदर लगाने हैं, और अगर उसी दिशा के अंदर आपका ब्रेकआउट होता है स्टॉक्स के अंदर तो आपका प्रॉफिट भी बहुत ही ज़्यादा होगा, और वहाँ पर आपका एक कन्फर्म ट्रेड भी बनता है, तो वहाँ पर आपका रिस्क फ्री ट्रेड होगा ये वाला, और एक कन्फर्म ट्रेड होगा क्योंकि आपने उसकी एनालिसिस पहले से ही कर रखी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको किस तरीके से स्टॉक चुनने हैं, उसके अंदर किस तरीके से एनालिसिस करनी है, और आपको उसके अंदर किस तरीके से स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करनी है, ये तीनों चीज़ आपको आज की वीडियो के अंदर समझ में आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हेल्प ज़रूर करेगा। बस आपको यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर स्टॉक्स को एनालाइज करना ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स को ये चैनल सब्सक्राइब करवाइएगा, और अगर ये चैनल ग्रोथ करता है तो मैं डेफिनेटली अपना पूरा एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स और बहुत अच्छे अच्छे एनालिसिस करने ज़रूर सिखाता रहूँगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।